गाइस तो नए व्लॉग में आप सबका स्वागत है। तो गाइस बताओ शर्ट कैसी लग रही है, नई पैंट सिवाई है नई शर्ट सिवाई है तो कमेंट करके जरूर बताना कैसी लग रही है। मुझे तो ठीक लग रही है, बाकी तुम बताओगे कमेंट करके। और यू कपड़ा ना वैसा स्ट्रेचेबल कि वो लेस है चाइनीज़ कपड़ा तो वाला कपड़ा आज कम्फर्टेबल है, मतलब कि पहनने में कम्फर्टेबल लगे है। तो आजकल मैं फॉर्मल कपड़ा पहनूँ तो मैं पता ही है फॉर्मल की लुक अलग आवा है पहन के। तो अभी हम जा रहे हैं रिसेप्शन में, आप सबको पता ही होगा जैसे पहले व्लॉग में बताई दीपक भैया है जो जिसपे से मैं कपड़े लेगा हूँ जीन्स वीन्स टी शर्ट लोअर शर्ट। तो उनके बड़े भाई की शादी थी, शादी में तो जा ना पाए तो अब आज रिसेप्शन है तो रिसेप्शन में जा रहे हैं हम सारे। ओके गाइस तो मिल गाइस आप सब देख सकते हो मेकअप क्या कमाल कर दे अभी गुन्नू को, थोड़ी देर मैंने व्लॉग लिया तो कैसे शिकल लग रही है और मेकअप होते देखो कितनी सुंदर लगने लगी। काश हमारे को भी मेकअप बना होता तो हम भी इतने मड़ों को लगते। हमारा मेकअप ना तो कहता थारे हो जाए फाउंडेशन वाउंडेशन आवे लाना पड़ेगा। और भाई रिश्तेदार ठीक है, मौज आ रही है। आप समझ गए होंगे हम कहाँ पे हैं, हॉस्पिटल में। अभी कुछ ना करा रहा है कर दिया स्टार्ट कर दिया। तो हेलो गाइस तो गुड मॉर्निंग गाइस। तो गाइस हम आ गए हैं खाटू श्याम मंदिर। तो खाटू श्याम मंदिर हम इसलिए आ गए हैं क्योंकि हमारी मैम है, हमारी मैम है ना, उन्होंने इसका ऑपरेशन होना है तो इसने कही मुझे पहले खाटू श्याम मंदिर जाना है जब मैं ऑपरेशन करवाऊंगी। तो जाके वो भी ना ऑपरेशन तो एकदम प्लान बनाया भैया क्योंकि अगर यू कहेगी तो भैया वहाँ जाना ही जाना है बेशक फिर कितनी दूर हो। तो 350 किलोमीटर के हमारे यहाँ से तो रात को ही हम रील तो अब तक डल नहीं रही है ब्लॉग के डाल। तो रात को ही हम 11 बजे निकल गए खाटू श्याम मंदिर। तो मैम की इच्छा थी कि मुझे लेकर चलो तो भैया फिर वो वाईफाई खरीदो यार तो अब ठीक है। मगर गाइस अभी हमने रूम लिया है, अभी हम आराम करेंगे क्योंकि पूरी रात गाड़ी चलाई है, ये तो सोते आई है मैंने गाड़ी और कहा लास्ट में 1 घंटा सोई पूरे रास्ते तुम्हारे से आगे गुन्नू फैल के पीछे पड़ी। 1 घंटा सोई हूँ मैं बस पूरे रास्ते तुम्हारे वाले जल्दी आई और मैं तो देख कैसे आया हूँ तो पूरी तो कति शर्म ही ना शर्म कहा ना तेरे मारे आया हूँ ना मेरे मारे आया बाबा के ऑर्डर ऑर्डर बाबा के मार आया हूँ मगर जब तेने कही है फिर आदेश तो तुझे दिया है बाबा ने तो मुझे एक चीज बता आपके बारे में रास्ते जगी आई बस 1 घंटा सोई आपने तो आना दिया। हाँ भाई पूरी रास्ते जगी आई है ठीक है भैया। तो गाइस हमने रूम वूम लिया है, रूम अच्छा मिल गया। एक तो भाई हमने बाहर ही पूछो कोई 8,000 कोई 10,000 कोई 11,000 कोई तो भाई फिर एक रिक्शा वाला मिल गया हमें तो रिक्शा वाला इतना अच्छा है उसने ही हमें मतलब कि रूम सीधा रूम पे लेके आया। अच्छा कमीशन लेके अरे बेशक कमीशन लेके जाया गो फिर भी ठीक तो दुआ ही दिया हमने। एक पहले भी लिया है, पहले कितने में लिया है जब मौज के लिया है वो 1800-2000 रुपए में लिया है। एक कमरा गंदा सा कमरा भाई एक दिन को लिया है वो भी और कितना गंदा कमरा है 1800 रुपए 4 घंटा को तो ये तो फिर भी 2 दिन को है कल तक को लिया होगा इसमें 4,000 रुपया में इसमें वाईफाई एसी सब बहुत बढ़िया रूम मिल गया। तो चलो गाइस हम मिलते हैं थोड़ा आराम आराम कर लेते हैं कुछ खाया भी ना हो कुछ खाएंगे फिर बात करते हैं आपसे। जय बाबा। तो गाइस अनसुना अब नीचे ऑर्डर दे रहा खाने को। ओए चुप चुप ओए चुप ओए गाड़े बंद करियो। हेलो भैया 8 तो बज गए अब तो अब सब कुछ मिल जाएगा। हाँ किचन वाली से बात करा किचन वाले से बात हो गई तो फालतू
तो फोन क्या मस्त होटल है यार, मतलब एक नंबर होटल लगा। और इसमें ना पता है चौखट, देखो चौखट भी ना पत्थर की है, लकड़ी की चौखट ना है। तो किसी और रूम के बाहर खड़े होकर क्यों बता रहे हो? अभी नहीं है, मस्त लग रही है इसमें तो। लकड़ी की चौकट में तो वो भी लग जावे के बोल ले उसमें घुड़मुड़ दिन मौसम में के लगा के दिमाग इसमें कुछ ना लगे। गाइस ये वाला हमारा रूम है, पर मैंने तो आपको दिखाया ही नहीं, बहुत अच्छा पास कर दिया भाई। अपना रूम ऐसे ही बनाऊंगा भाई, कुछ भी हो जाओ, बेशक आराम आराम के बनाऊं, जोड़ जोड़ के बनाऊं, मगर रूम ऐसे ही बनाऊं। अच्छा अच्छा ठीक है, खाने के लिए आ जाओ। तो गाइस हमने नाश्ता कर लिया है, मैंने खाया वो प्रॉम्प्ट यार, खाया भी नहीं गया, इतना पूरा बड़ा प्रॉम्प्ट होया प्लेट पूरी ढगी, प्लेट से बाहर जा रहा था ना, बड़ा प्रॉम्प्ट है। निशी ने हाथ दिखाया, हाथ छोड़ दिया निशी ने, मैंने ये छोड़ा। और गुल्लू ने पानी के लिए ग्लास खोल दो। और गुल्लू ने दो मैगी खा लिया भैया, इसे तो राजमा चावल मैगी दे दो बस, और कुछ नहीं चाहिए। हेल्दी मत खा लो गाइस, इनका पराठा तो इतनी बड़ी प्लेट का लाया, मेरे को तो यही नहीं बोला। अरे भैया दही की गैल लपड़ा लगा पड़ा है, दही में क्या मिला दिया नहीं अचार। देखो कितनी बड़ी किचन बना रहे हैं, खाना भी बढ़िया यार। हेलो गाइस, तो गाइस हम उठ गए हैं भैया, सो के हम आते ही सो गए थे, और अब सब उठे, अब सब सब नहाना जाएंगे, पहले निशी नहाना जाएगी, फिर गुन्नू नहाना जाएगी, क्योंकि इन्हें टाइम लगेगा, हम तुम्हारा के पानी गिरना बस, और इन्हें तो भैया मैं कभी को बनना पड़े, तो इस मारे थोड़ा टाइम लग जावे, तो हमें तो खाली नहा के लत्ता पहनने। और बाल भैया ऐसी है ही अपने सेट मामला यार, शरीर बहुत कमज़ोर है निशी मेरे, टेंशन हम लोग मूवी का शौक कभी छोटा सा टेंशन कम लो, और खाने पीने ध्यान दो सबसे। रेट पूछ रहे, रेट आ रही है नहीं आप ऐसे, मुझे लग रहा है तो मैंने ऐसे कहा। और वैसे पिक्चर से क्या बात है, क्या बात है। चलो अब नहा नहा कर तैयार होकर मैं दर्शन करने जाते हैं, देखते हैं कैसे दर्शन होते हैं, फिर मिलते हैं थोड़ी देर में। जय बाबा। हेलो गाइस, तो गाइस हाय गाइस, ब्रो कितने मुल्क आ रहे हैं इधर, तो है भी ना नहीं है पूरा यार, वेरी नाइस। तो गाइस अब हम सब नाग तैयार हो चुके हैं, गुन्नू भी, गुन्नू और मैंने ब्लैक पहने हैं, ब्लैक ब्लैक और निशी या वो तैयार हो रही है, निशी ने देख लो बाल कैसे लगा रखे, बढ़िया वाले खतरनाक वाले डेंजरस वाले, और अंशु भी फोटो अंशु तेरा पेट दिख रहा हूँ। तो सब नहा के रेडी हो चुके, बस हम निकल लेंगे, और बाहर का व्यू देख लो भैया, मौसम एकदम भर हो रहा है। तो अब खाटू बाबा के पास चल रहे हैं दर्शन करने, और फिर एक जगह बताइए यहाँ पे त्रिवेणी धाम है, किसी मतलब की लड़की ने कमेंट करा है कि दीदी वहाँ जरूर जाना, निशी के पास कमेंट आया वहाँ पे पितकी ब्लॉग पाया, पित्त की थैली में जो पथरी होती है उस लड़की के भी थी, पथरी की दवाई देती है, अब जाते हैं देखते हैं, क्योंकि अपनी कोशिश तो करनी चाहिए ना, अब देखते हैं वहाँ जाके क्या होता क्या नहीं होता। क्योंकि वो लड़की बोल रही है कि मेरे भी 5 mm 6 mm की पथरी थी पित्त की थैली में, तो मैं वहाँ से दवाई लाई थी और मेरी वो पथरी निकल गई, तो अब आए हैं तो जाके देख लेते हैं, बाकी ऑपरेशन तो इसको होना ही है। और जब खाटू श्याम धाम आए कि पता हो ही जा रहा खत्म पथरी, तो चलो मिलते हैं थोड़ी देर में, जय बाबा। तो निशी एक बात बता मुझे यार, तू वैसे कहीं भी मंदिर वंदिर में तू इतनी रुचि नहीं रखती, खाटू श्याम में इतनी रुचि कैसे है तुझे? हैं पता ना गाइस, इससे पता क्या है खाटू श्याम को, जैसे मैं वैसे भी नॉर्मली कह दूंगा ना कि चल खाटू श्याम चल रही है, तो एकदम रेडी, और वैसे कहीं मना कर देगी, खाटू श्याम से पता ना कुछ ज़्यादा लगाव होगा निशी का, होना चाहिए वैसा, सारे भगवान एक है, मगर कोई कोई ऐसी भगवान हो गए जिस टाइम ज़्यादा लगाव हो जावे, जैसे भोले हो गए, खाटू श्याम हो गए, बाबा मोहन राम हो गए,
तो ऐसी निशी का लगाव ज्यादा खाटू शाम है, तो निशी जब भी कह दो जब भी तैयार रहती है खाटू शाम आने को, तो चले भैया। बाबा शाम है चले। चलो तो गाइस उनकी वीडियो चालू हो गई गाइस। लो भाई चलो तो गाइस इस व्लॉग का यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ। तो गाइस अब हम जा रहे हैं दर्शन करने, तो भैया अभी तो चलो करो अपने खड़ा रहे भाई। तो चलो अब सब रेडी है, अब दर्शन करके मिलते हैं। नया व्लॉग आएगा पूरा वहाँ का, मतलब कि खाटू श्याम मंदिर को। तो अभी तक की रील बन रही है, चल रही कर रही है, इनकी रील बन रही है। चले तो चलो जय बाबा, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। और गाइस जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब ना करा था, चैनल सब्सक्राइब करो यार, ऐसा मत करो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो बढ़िया बढ़िया, और जल्दी जल्दी 1,00,000 करवा दो, जो दूसरी सिल्वर प्लेट आ जावे, तीसरी भी आ जावे, ऐसा मत करो। हमें छोड़ो गाइस, पहले भाई की गाना हमारे। तेरे को अब फिर से वीडियो निकल गई, जो कल से कह रहा हूं। बाय बाय, जय बाबा।